वेलकम गेमर्स, स्वागत आपका हमारे शैडो फाइट 2 के एक और एपिसोड में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले प्रिसिशन एन्चेंटमेंट के बारे में। प्रिसिशन वाली एन्चेंटमेंट है जिससे आपके क्रिट्स बढ़ते हैं, क्रिटिकल हिट बढ़ते हैं, मतलब ज़्यादा डैमेज करते हैं नॉर्मल मूव से। तो ये हैवी को सारी कामा लिख रखा था मैंने। अब वो आपको जो ये जो है ये कब कब काम कर सकता है, मतलब ऐसा बोलूँ, चलो सबसे आगे उसको चुन के देखते हैं। वास्प नागिनाटा प्रिसिशन, ये एबिलिटी कैसे काम करती है, जब ऊपर एप्पल आता है ना तो तब क्रिट पड़ते हैं। रुक जाओ मैं दिखा दो। वैसे ये हर बार नहीं पड़ती, इससे कुछ परसेंटेज रहता है, ये हर बार नहीं पड़ता, पर जब पड़ता है तब बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। भाई कितना डैमेज दिया इसने, 147, मतलब इसने 150,000 डैमेज दिया। वाह, मैंने बोला ना भाई, शैडो फाइट 2 बहुत सारे लोग अब छोड़ के जा रहे, कोई खेल नहीं रहा है जी इन लोगों के कारण ही। रुको, पर प्रिसिशन आएंगी तब। अरे इसने ही बहुत गंदा मार दिया, इसको थोड़ा दूर जाने दो। अरे कूदना ऐसे, ये कूद क्यों नहीं रहा है? हाँ अभी भी प्रिसिशन बड़ी नहीं। प्रिसिशन अभी तो एक बार नहीं पड़ी है। चलो देखते कितना डैमेज है, बहुत ही कम डैमेज देखा उसे, 265, क्योंकि मैंने वास्प नागिनाटा बहुत दिन के बाद यूज़ किया है। मेरे को बस प्रिसिशन एबिलिटी दिखाने कैसे काम करती है, नॉर्मल डैमेज रहता है उससे प्रिसिशन एबिलिटी जो जब आती है तब क्रिटिकल हिट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है और आपका डैमेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है उस वक्त। मुझे बस इतना दिखाना है। एन्चेंटमेंट रेजिस्टेंस, ये सही है, सिर्फ इसका जो भाई मार दिया इसने। ओ शेट, फिर से ख़त्म होने वाले हम लोग। इसके वेपन बहुत ज़्यादा फास्ट है, बोलता ना मैंने। हाँ शेट, अरे मेरे को इससे खेलते ही नहीं जम रहा, बहुत दिन बाद खेल रहा था मैं, कोई और ही वेपन लेता हूँ मैं। हाँ मूवर्स लेता हूँ। ऐसा होता है भाई, जो वेपन को बहुत दिन से यूज़ ना करो ना तब चलाना ही भूल जाते हो, ऐसे कैसे चलाते हैं। अब ठीक है भाई, बहुत लंबा कूल डाउन लगा, तो आ जाओ, स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब मूवर्स मुझे चलाते आते हैं, देखते कभी मैं बहुत ही बात कर रहा ना। और वैसे ये एबिलिटी सिंपल एन्चेंटमेंट है ना, तो देखो जो सिंपल एन्चेंटमेंट रहती है ये बहुत ही कम, सिंपल इसलिए बोलते हैं ऐसे क्योंकि डैमेज बहुत सारा कम देती है मिथिकल एन्चेंटमेंट के सामने। रुक जा, तो कॉम्बो मारता हूँ। हाँ देखो अभी भी एन्चेंटमेंट स्टार्ट नहीं है, कूद ऐसे। आपको ये बात, जब भी कोई वॉल से कूदता है, हाँ देखो जब भी कोई वॉल से कूदता है तो मैं कॉम्बो मार दिया करो, ऐसा होता है। मतलब इसमें डैमेज ज़्यादा पड़ता है, क्रिटिकल हिट ज़्यादा रेट पड़ते हैं,
अब मैं भले ठीक से यूज़ नहीं कर पाया, बट मैं बता दूँ इससे बस क्रिट ज़्यादा पड़ते हैं, तो ये उतनी अच्छी एन्चारमेंट नहीं है। अगर मैं बोलूँगा सिंपल सिंपल रेसिपी में सबसे अच्छी एन्चारमेंट कौन सी है, तो या तो आप पॉइजनिंग लगा सकते हो जो ब्लीडिंग जैसी एबिलिटी है, या तो ओवरहीट, ये दो एन्चारमेंट बेस्ट है। अभी तो फिलहाल मैं प्रिजिशन के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो बनाऊँगा। और इसकी 43 HP भाई कोई ख़त्म नहीं कर पाया लिटरली। मेरे को मॉन्ग साइड का मैंने मॉन्ग का टास्क है, निमोफिस अच्छे यूज़ करते आते हैं भाई, ये सब मेरे को यूज़ करते नहीं आते हैं क्योंकि मैं फ्रेंजी लगी है ना इसलिए। देखा ख़त्म, बहुत बढ़िया, सिर्फ 39 डैमेज था वहाँ पे। अरे एक डैमेज के लिए मैं पीछे रह गया, तो कुछ नहीं होता। मैंने बताया था सिंपल रेसिपी में सिर्फ दो एन्चारमेंट अच्छी है, एक ब्लीडिंग और दूसरा ओवरहीट, बस ये दो एन्चारमेंट अच्छी है। ओ भाई भाई आराम से, ये पड़ी से, हाँ देखो क्रिट का ज़्यादा डैमेज पड़ता है, अभी बाप पड़ी थी इसे, बताया था जब भी कोई वॉच होता तब भी अपना कॉम्बो मार दिया करो। हाँ भाई उससे पहले मतलब उसका जो मूव था मैजिक वो मेरे को पहले आके लगा, चलो कुछ नहीं होता, उसका मैजिक मेरे से आके पहले लगा हुआ। चल गिर तू, अब गिरा भी नहीं है, ये सही है। ओ ये पड़ी से खाता हम, तो भाई लोग कमेंट करो जल्दी से जाके कि नेक्स्ट एन्चारमेंट कौन सी वीडियो देखना है आपको। मैं तो सोच रहा था कि पॉइजनिंग और ब्लीड पॉइजनिंग एंड ओवरहीट के आसपास से बनाऊं, बाकी की एन्चारमेंट ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मीडियम में तो सारी से अच्छी है और मिथिकल तो सिर्फ एक ही है मेरे पास। हाँ तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। हाँ रुको रुको, बाय बाय करने से पहले एक बार बता दो नेक्स्ट एन्चारमेंट कौन सी ऊपर वीडियो बनानी हो जाए। मैं तो सोच रहा था ओवर हीट या फिर पॉइजनिंग, बट आप अपना ओपिनियन बता सकते हो कमेंट में, और सिंपल में सबसे बेस्ट कौन सी आप बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।